नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप, मैं हूं गीतांजलि। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, दो चरण का मतदान भी हो चुका है और बिहार की बाजी कौन मारेगा ये तो 8 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इस बीच पहले दो चरण को लेकर बीजेपी में राय बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और साक्षी महाराज को अभी से हार के खतरे की घंटी सुनाई दे रही है और वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि एनडीए को पहले चरण में 32 से 34 और दूसरे चरण में 22 से 24 सीटें मिलेंगी। जी हां, दरअसल बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा और साक्षी को हार का डर सता रहा है। शाह के मुताबिक एनडीए बहुमत के रास्ते पर है। अब सवाल ये नहीं है कि एनडीए सत्ता में आ भी पाएगी या फिर नहीं, बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह की बयानबाजी से माना जाए कि दो चरण के बाद ही बीजेपी में खलबली मच गई है। बिहार में चुनावी घमासान जारी है, दो चरणों का मतदान हो चुका है, वहीं तीसरे चरण की 50 सीटों पर मतदान 28 अक्टूबर को होगा। बिहार चुनाव में दो चरणों की वोटिंग के बाद एक और जहां बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने कम सीटें जीतने की आशंका जताई है, वहीं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने दोनों चरणों में बेहतर प्रदर्शन का दम भरा है। शाह ने कहा है कि पहले चरण में एनडीए 32 से 34 सीटें जीतेगा और दूसरे चरण में एनडीए को 22 से 24 सीटें मिलेंगी। दोनों ही चरणों में महिलाओं और युवाओं ने एनडीए को वोट दिया है। बिहार की जनता विकास चाहती है, सभी वर्गों ने बीजेपी को वोट दिया है। अमित शाह के मुताबिक एनडीए पहले दो चरण की कुल 81 सीटों में 50% से ज्यादा 54 से 58 सीटें जीतेगा। यानी शाह की गणित के मुताबिक एनडीए बहुमत के ट्रैक पर चल रहा है। वहीं बीजेपी के ही दो बड़े नेताओं ने शाह से ठीक उल्टा बयान दिया है। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करके चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने का इशारा किया है। उन्होंने लिखा है, मैं उन खबरों से परेशान हूं जिसमें कहा जा रहा है कि मेरी पार्टी पहले दो चरणों के चुनाव में और अच्छा कर सकती थी। उम्मीद करता हूं ये गलत हो। अगले चरण के लिए बीजेपी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारक और सांसद ने पार्टी को नसीहत भी दी है और कहा है कि वक्त है कि हम हकीकत का सामना करें, आदर्शवादी आधे अधूरे मन से काम न करें और 5 सितारा होटलों में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के भरोसे न रहें। वहीं पूरे बिहार चुनाव के दौरान चर्चा में बने हुए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि एनडीए गठबंधन को बिहार में हार मिलने वाली है। साक्षी ने कहा, अगर ऐसा होता है तो ये पूरी तरह बिहार का नुकसान होगा, मोदी या अमित शाह का नहीं। इतना ही नहीं, साक्षी महाराज ने यहाँ तक कह डाला कि बिहार को कैंसर की बीमारी है और उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। मोदी और अमित शाह जैसे लोग बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, पर अगर बिहार उठना नहीं चाहता तो ये उसका दुर्भाग्य होगा। हालांकि उसके बाद साक्षी महाराज ने खुद इस बयान का खंडन कर दिया और अमित शाह ने भी कहा है कि साक्षी महाराज ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अब भले ही ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो, लेकिन संकेत साफ है कि बिहार में जनता के मूड को लेकर बीजेपी बटी हुई है। किसी को बहुमत का भरोसा है तो किसी को हार की आशंका। देखना होगा कि जब 5 चरण के बाद 8 नवंबर को मतगणना होती है तब सत्ता की चाबी किसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। जी हाँ, सत्ता की चाबी किसे मिलती है, सत्ता किसे मिलती है, बड़ा सवाल। दो चरण का मतदान हो चुका है लेकिन बीजेपी की गहमा गहमी बहुत कुछ बयां कर रही है। क्या बयां कर रही है बीजेपी की ये गहमा गहमी और साथ ही दूसरे जो महागठबंधन में जो राजनीतिक दल बंधे हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं या फिर वो किस तरह से सोच रही हैं, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम खोजेंगे हमारे प्रोग्राम न्यूज लाइन में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। हमारे साथ मौजूद है अनुज अत्रे, नेता कांग्रेस। दीपक
शेरावत, नेता जेडीयू, माफ कीजिएगा शारद सारस्वत, नेता जेडीयू हमारे साथ में मौजूद हैं और संजीव निगम नेता भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैं अनुज जी आपसे शुरू करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये जो शाह का आकलन है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और साथ साथ ये जो बीजेपी में खलबली मच रही है, ये क्या कह रही है? साथ साथ हम साथ साथ हैं कि नीति क्या कहीं ना कहीं खटास में पड़ती नजर आ रही है? देखिए, शाह जी का जो ये बयान है वो देना उनकी मजबूरी है, ठीक है, उनको तो बोलना ही पड़ेगा, नतीजों के बाद भी बोलना पड़ेगा। वो तो नतीजों के बाद भी बोलेंगे कि हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। तो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, अपने पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते तो उनको बोलना ही पड़ेगा। वास्तविकता क्या है ये जनता बता रही है। आप बिहार के जनता से जाके देखिए, वोटरों के रुख से जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से महागठबंधन को जो है भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। क्योंकि ये जो चुनाव है ये दो चीजों पर लड़ा जा रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिहार की जनता पूरे देश में एक ऐसी जनता है जो ठीक है प्रदेश पिछड़ा जरूर है, पर राजनीतिक सूझबूझ अगर किसी प्रदेश की जनता में है तो सबसे ज्यादा बिहार के प्रदेश के लोगों में राजनीतिक सूझबूझ बहुत है। हर घर में एक एक आदमी जो है वह राजनीति। फिर भी बिहार की जनता ठगी नहीं जाती, आपको नहीं लगता कि बिहार की जनता बिहार की जनता इस ठगी नहीं जा रही है। बिहार की जनता इस बार चुनाव को दो तरीकों से आकलन कर रही है, वो उम्मीद और आश्वासन, दो चीजों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और उम्मीद और आश्वासन पे, उम्मीद आश्वासन, और किसने डिलीवर किया? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से, माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, कौन सी पार्टी ये बात कह रही है, कौन सी पार्टी आश्वासन दे रही है? पूरी बात करने दीजिए, उनकी तरफ से केवल उम्मीद और आश्वासन ही है, ठीक है, डिलीवर नहीं हुआ अब तक, सवा साल से ऊपर हो गया, ठीक है। नीतीश जी डिलीवर कर चुके हैं उनको पिछले 10 वर्षों में। बिहार की जनता बदलाव देख चुकी है, विकास देख चुकी है, विकास की राह पे बिहार चल चुका है और बिहार में काफी परिवर्तन आया है। तो इसलिए बिहार की जनता दोबारा से नीतीश जी को देखना चाह रही है, क्योंकि उनको पता है इन्होंने डिलीवर किए हैं। और ये केवल बातें नहीं करते प्रधानमंत्री जी की तरफ से, क्योंकि बिहार में एकमात्र अभी भी वही चेहरा है, कोई इनके पास जो है एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री का। मोदी जी के चेहरे पे जिस प्रकार से दिल्ली के विधानसभा में लड़े थे, ऐसे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं कि जी मोदी जी ही जैसे वहां पे जाके बिहार में काम करेंगे। लोग वहां पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं और उनके कार्य से संतुष्ट होते हुए दोबारा से नीतीश कुमार को महागठबंधन को कांग्रेस के जो है समर्थन से सरकार दोबारा बनने जा रही है। चलिए, ये आपका आकलन है। अभी अमित शाह का आकलन हमने देखा है और एक आकलन अनुज अत्रे नेता कांग्रेस जो हमारे साथ मौजूद है उनका भी है। संजीव जी कैसे देख रहे हैं आप? अनुज अत्रे जी की बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ। जो ये आकलन कर रहे हैं, इनका आकलन काफी हद तक सही है, क्योंकि जनता देख रही है, चारों तरफ देख रही है, सवा साल से ऊपर हो चुका है। आजकल सब जगह गाँव में सब टीवी आता है, इंटरनेट है, मोबाइल वगैरह सब सुन परिचित है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। ये कहते हैं साहब जंगल राज जो है बिहार में है, दिल्ली में देखिए मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली उन्होंने कहा जंगल राज तो यहाँ भी है। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छी तरीके से वाच कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र में क्या होता है, आपकी सहयोगी पार्टी है सत्ता में और वहां पर जाके किस तरीके से वहां लोग आप वही कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो लोगों ने देखा है कि अब मोदी जी से जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल रह नहीं गई है। तो अब इस जो चुनाव चल रहा है बिहार में, इसमें मोदी जी की तो नैया मैं समझता हूँ वहां पर भी डूब गई हुआ और वैसे ही हालत हो गई कमोबस जो है जैसी दिल्ली में हुई है। तो अब इसमें बहुत कुछ कहने के लिए मुझे बचा नहीं है, कुछ दिन और शेष है, अब देख लीजिएगा अगले 8 नवंबर को शायद आ रहा है रिजल्ट, तो पता चल जाएगा। तो दीपक जी रिजल्ट से पहले इस तरह के आकलन क्या कह रहे हैं? आकलन अभी संतोष सिन्हा जी का आकलन आपने देखा ही होगा टीवी में आ रहा है, वो तो खुद ही बीजेपी वाले परेशान हैं सारे जो है कि आकलन बिहार की जनता इनको बिल्कुल नकार चुकी है। और अमित शाह जी अभी सपने देख रहे हैं, अभी बाद में दूसरे चरण का, तीसरे चरण का अभी वोटिंग होना 28 तारीख को, तो बिहार की जनता ने पूरा मन बना लिया है। नीतीश जी को एक विकास पूर्व सुशासन उन्होंने वहाँ दिया है, लोग वहाँ उनको अपना नेता मानते हैं और सारा जो महागठबंधन के की सरकार वहाँ बनने जा रही है। और हताशा की वजह से आपने देखा है कि सतोन सिन्हा जी और इन्होंने आरक्षण का विरोध किया और दलित लोगों को परेशान करने वाली बात, उसका अब इन्होंने बीफ वाला जुमला छोड़ दिया। तो ये अब इसमें जुमलेबाजी में बिहार की जनता विश्वास नहीं रखती है, वो वहाँ विकास पुरुष नीतीश जी को मानती है और उन पर पूरा भरोसा करती है। और आप देखेंगे कि 8 तारीख को जब भी काउंटिंग होगी तो ये दूध का दूध पानी का पानी 12 बजे। मुकेश जी, ये जो पूरी कड़ी चुनौती है, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी एनडीए जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है महागठबंधन के लिए। सारे दलों के नेता अभी आपके सामने मौजूद है, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, लेकिन एक बात देखने को मिली है कि पार्टी जो है आपकी पार्टी के भीतर जो भी कुछ चल रहा है वो इस वक्त लोगों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हम कह सकते हैं कि बनी हुई है। ऐसा क्यों है? आपकी पार्टी कहती है कि हम साथ साथ हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजियां, वो भी चुनाव चल रहे हैं, दो चरण के मतदान हो चुके हैं और इस तरह की बातें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, जनता कैसे देखेगी?
मैं बताता हूँ, देखिए आपने जो सम्मानित मेहमान बुलाए हुए हैं अभी तीन ने अपने अपने वक्तव्य दिए और तीनों ने एक बात करी, मैं थोड़ा सा 30 सेकंड ज्यादा लूंगा क्योंकि मुझे तीनों का जवाब देना है। जी। अनुज जी ने कहा कि चाहे बिहार पिछड़ा है लेकिन वहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग इतना है या वहाँ राजनीतिक सक्षम लोग बहुत हैं। इन्होंने अपने आप माना कि बिहार पिछड़ा है और ये बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है, इसी के परिवर्तन की वहां पे बिहार चली हुई है और परिवर्तन की एक आंधी आ रखी है कि किसी भी तरह बिहार पिछड़ेपन से निकल के अब आगे विकास की तरफ बढ़े। दूसरी बात संजीव निगम जी ने बोली कि जी अभी तो हमारे सीएम ने भी बोला कि दिल्ली में भी जंगल राज है। बहुत बढ़िया, आप दिल्ली में राज कर रहे हैं, दिल्ली में जंगल राज है, राजा आप हैं और जंगल राज खुद के आप राज्य को बता रहे हैं। पुलिस व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, इसलिए मैं वो बात कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक पुलिस व्यवस्था की बात करें, जो व्यवस्था कंट्रोल करती है आप एक बाकी और विषय हैं, और विषय हैं उनमें भी कुछ नहीं हो रहा है। तो जंगल राज अगर राजा ही अपनी अपने राज्य के लिए जंगल राज बोले तो मुझे क्या कहने की जरूरत है। जहां तक सारस्वत जी ने बोला कि जी वहां तो आरक्षण की बात है, आरक्षण की बात और बीप की बात, ये बात शुरुआत किसने करी, लालू जी ने स्टार्ट करी। लालू जी ने बोला जी हर हिंदू मांस खाता है वो गाय खाता है, तो ये इस तरह की जब बातें होंगी, एक 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 विकास की बात को छोड़ के हर तरह की बातें हो रही हैं। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं जो आपने पूछा। देखिए हमारी जब ये इलेक्शन होता है तो कुछ बयानात इस तरह के आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बयान है वो महागठबंधन के जो नेता थे मुलायम सिंह यादव जिनको निकाल दिया गया या वो निकल गए, उनका बयान आया था पिछले सोमवार को जिन्होंने कहा कि बिहार में मोदी सरकार की गवर्नमेंट बन रही है। इससे स्पष्ट और क्या होगा, वो सारे पूरे इतने पुराने योद्धा हैं राजनीति के, यानी कि वो राजनीति के इतने योद्धा हैं इसीलिए उनकी बात को सही मान लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि बयान देखिए, मैं वही पूछना चाहती हूँ कैसा आकलन आप का बयान देखा सर, आप बीजेपी में ही अपना कर रहे हैं आप, ये जी का भी सही है, पहले रिक्वेस्ट की बात इससे सही मान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री यू मैं वाजपेयी जी की बात के ऊपर आता हूँ, इसीलिए मैं आती हूँ अत्रेजी आपके पास, उनकी बात इसलिए सही मान लेनी चाहिए क्योंकि वो बीजेपी की हक की बात बोली इसलिए उनकी बात सही मान लेनी चाहिए। बाकी बड़ी बात है कि अगर अगर वो इतने वरिष्ठ नेता हैं तो उन्होंने जो कह दिया है वो, तो फिर अगर और भी पार्टी के आपके वरिष्ठ नेता कई बार गाहे बगाहे बयान दे देते हैं तो क्या उन बयानों को सही मान लेना चाहिए। मैंने कहीं ये कहा कि आप उनकी बात मानिए, मैंने तो अभी शुरुआत करी थी, मैंने तो बताया, आपने कह दिया अपने लोगों पे भी, मैंने तो ये बताया कि बयान अगर देखा जाए तो उन्होंने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि मोदी सरकार वहां पे बन रही है और उस बयान के बाद वहां पे एनसीपी ने उनसे नाता तोड़ लिया कि नहीं जी नहीं ये तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है और ये जब ये आकलन ये कर रहे हैं तो फिर तो हमारा कोई भविष्य है नहीं, उन्होंने उनसे नाता तोड़ लिया। दूसरी बात जहां तक शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात है, अभी आपने खुद ही देखा उन्होंने अपने बयान में उन्होंने खुद बोला है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हाँ इससे भी अच्छा किया जा सकता था, बिल्कुल ठीक सी बात है, और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा अच्छी, हम देखिए जितने शक्कर डालेंगे उतनी चाय मीठी होगी, और ज्यादा हर कार्यकर्ता को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और कर रहा है, उससे ही तो रिजल्ट आएगा ना सर। आप तो प्रधानमंत्री मोदी की वहाँ मीटिंग है और रैलियां कम कर दी गई, कोई कम नहीं कर दी गई, किसी ने कोई कम नहीं कर दी गई, 13 रैली अभी भी है। हाँ ये है टाइम में थोड़ा सा, देखिए 9 दिन का उनका व्रत है, वो बिना पानी पिए बिना अन्न खाए 9 दिन, उसमें थोड़ा सा उन्होंने आगे पीछे कराया अपने शेड्यूल को, बाकी वो 13 रैलियां जो प्रपोज थी। ये बिहार का नुकसान क्या है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ हाँ, कि बिहार का नुकसान साक्षी महाराज का बयान, बिल्कुल नहीं देखिए बिहार का नुकसान, क्योंकि एक बयानबाजी तो कर नहीं रही आपकी पार्टी का, तो हर नेता गाए बगाए कभी कोई बयानबाजी दे रहा है, कभी पार्टी के हाथ में दे रहा है, कभी पार्टी। अनुज जी ने एक सबसे अच्छी बात बोली थी कि बिहार का जो मतदाता है वो बड़ा एक सेंसिटिव मतदाता है, मतलब बहुत जागरूक मतदाता है और प्रदेशों के अपेक्षा। आप देखेंगे कि बिहार में 56% जो वोटर है वो बिलो 40 इयर्स का है, 40 साल से कम की उम्र का है, और 46% जो वोटर है वो 35 साल से भी कम का है, और इन वोटरों को 56% वोटरों को जात पात से कुछ लेना देना नहीं है, उनको ये लेना देना है कि हमारी नौकरी हमारे प्रदेश में हो, हमारे माँ बाप की जो दवाई दारू जो भी शिक्षा वगैरह जो हमारे भाई और बच्चों की है वो सारी हमारे प्रदेश में हो, हमारा प्रदेश किसी तरह विकास में चले, ये राजनीति जो जात पात की थी ये खत्म हो चुकी है। आज की युवा पीढ़ी इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। मैं भी पटना होके आया हूँ और वहां पे बिल्कुल एक तरह से आंधी चल रही है, युवा वर्ग में तो एक तरह से बिल्कुल निश्चित तौर पे उन्होंने मन बना लिया है कि मोदी जी की सरकार को बिहार में लेकर आना है और बिहार को जो ये जंगल राज और लालू राज और इस फलाने का राज और उसका राज इससे सबसे हटाना है। चलिए निगम जी,
बहुत अच्छी बात कही वाजपेयी जी आपने। अच्छा आप ये बताएं दवाई और दारू की कही तो दवाई तो आप खिलाएंगे और दारू आपके सहयोगी जो मांझी जी है ना वो कहते हैं कि वोट डालने के बाद बोल चुके हैं पहले जब मुख्यमंत्री आप वोट डालें इसके बाद में आप फिर एक एक पैक लगा रहे हैं जाएगी कंफ्यूजन होगा। देखिए एक वर्ड यूज होता है पुराने स्पष्ट कर दू आप देखिए जब भी आप किसी बुजुर्ग से बात करेंगे और मांझी साहब क्लियर कहा है कि आप जो है जो चुनाव का वोट डालने के बाद आप एक एक बैग आराम से आप पी सकते हैं ले लें आराम से। वो हमारे भाई साहब भी बोल चुके हैं ना बोल गए हैं। दूसरी बात वाजपेयी जी मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी कल ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम बीजेपी के नेताओं ने को बुलाया था और उनसे प्रश्न बातचीत की थी जैसे संजीव बालियान हुए संगीत सोम हुए और आपके साक्षी महाराज हुए सर महेश शर्मा जी को बुलाया था टेलीफोनिक डिस्कशन हुआ। तो अब क्या वजह है कि इनको इन्हीं मौके पर इन्हीं जो चुने हुए नेता हैं जिनका जो है दादी वगैरह में अच्छा खासा जो है योगदान देखा गया था उनको बुला करके उनसे उनको क्या किया गया टाइट किया गया या जो भी डोज दिया गया ये तो आप अच्छे तरीके से बता पाएंगे तो इसी समय ही क्यों बुलाया गया बताएं। देखिए हाँ देखिए ऐसा है कि हमारे विपक्षियों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं लेकिन वो इलेक्शन के टाइम पे चाहे वो सहारनपुर हो चाहे वो मुजफ्फरनगर हो इस तरह की कुछ वारदातें करते हैं और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि इसी तरह भी बीजेपी के नेताओं को उकसाने की तरह वो अपनाते हैं कि उकसाएं उकसाने में बयान दें और इसमें कहीं वो सफल भी हो जाते हैं। हमारे कुछ नेता हैं जो उनके उकसाने में आके कुछ बयानबाजी कर जाते हैं। इसीलिए कल अमित शाह जी ने एक बात स्पष्ट तौर पर करी कि आपको संयम रखना है आपको किसी उकसाने में नहीं आना कोई कितना भी भड़काए आपको भड़काने में नहीं आना। कुछ दिन पहले भी जब आपकी नौका बिहार में हिल रही है तब बुलाया अगर यही बात पहले बुलाई होती दो महीने तीन महीने चार समझ में आती मोदी जब नौका आपकी हिल रही है जब जगमगा रही है तब बुलाना पड़ा यहाँ पर बुलाना आपकी मजबूरी थी। पहले तो आपने स्वयं जो है इस बात के लिए आजादी दे रखी थी कि बोलिए आपने उनको बोलने की अपनी तरफ से जो है आजादी दे रखी बोलिए अगर आजादी होती तो फिर कल अमित शाह जी उनको नहीं बुलाते और बुलाना मजबूरी है मजबूरी नहीं है तो क्या चुनावों के बाद बुलाएंगे मजबूरी नहीं है उनको स्पष्ट संदेश दे अभी अभी देखिए अभी चुनाव के बीच में हो सकता है शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी बुला रहे हैं मोदी की बात जो कह रहे हैं आप उनके आप अपने ही नेता की बात नहीं मान रहे। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि कोई उकसाने में अगर आ जाता है तो उसको समझाना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फर्ज है और उन्होंने उनको समझाया है कि भाई आप उसका उकसाने में मत आइए आप बयानबाजी मत करिए दूसरा करता है कर दीजिए लेकिन आपकी तरफ से संयम होना चाहिए और इसका आप रिजल्ट देखेंगे आने वाले प्रधानमंत्री महोदय की रैली कम हुई है बिहार में कौन कह रहा है आपके शत्रुघ्न सिन्हा जी ने बताया है बताइए क्या जानकारी दे रहे हैं किसी और ने विरोधी नेता ने चलिए उन्होंने बताया है। मैं आपकी बात को वाजपेयी जी मान लेती हूँ कि अगर ये कहा गया है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये बात कहते हैं कि इस तरह की बयानबाजियों से बचा जाए दादरी के मामले पर भी उन्होंने कहा था इस तरह की बयानबाजियों से बचा जाए लेकिन बयानबाजी तो बंद नहीं हो रही है आपके यहाँ कभी बीमारू कहा जा रहा है कभी कैंसर पीड़ित कहा जा रहा है बिहार को क्यों अगर आप बिहार को कहते हैं कि बिहार बीमारू स्थिति में है बिहार को कैंसर हो गया है बिहार का नुकसान होगा ये किस तरह की बातें आप बिहार की जनता बिल्कुल आप आपको लगता है कि इस तरह की बयानबाजियों से कि बिहार की जनता आपको वोट देगी आपको मानेगी कि हाँ आप सत्ता में आएंगे और उनका कुछ नहीं बेहतर होगा। एक चीज तो आप ये बताने में सफल हो जाएंगे कि बिहार वाकई बीमारू है बिल्कुल एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार का जितना विकास होना चाहिए था पिछले 60 साल में जो और प्रदेश बढ़े हैं उस हिसाब से बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है उस गति से विकास नहीं हुआ और ये बात वहाँ की जनता भी जानती है और ये मानती भी है इस बात को। कौन जिम्मेदार वाजपेयी जी ये पुरानी गवर्नमेंट है जो रही है वो जिम्मेदार है आप भी पुरानी गवर्नमेंट में रहे लेकिन हमने कोशिश करी कोशिश कामयाब भी हुई लेकिन उसके बाद 8 साल में जितना कर सकते थे उतना ही कर पाए और हमें हम एक अलायंस के पार्टनर थे हम कोई अपनी गवर्नमेंट नहीं चला रहे थे वहां पे अलायंस के पार्टनर थे चीफ मिनिस्टर दूसरी पार्टी का था जो हमारे प्रपोजल थे जो हमारी नीतियां थी हम उसको पूरी तरह से नहीं लागू कर पा रहे थे। हाँ ये तरह जरूर है कि हम नीतीश कुमार पे अंकुश लगाए हुए थे भ्रष्टाचार वहाँ पे कम हुआ था जंगल राज खत्म हुआ था कानून का राज स्थापित हुआ था। हमारे भाई साहब बोलने में बहुत अच्छा बयान एक्सप्लेन करते हैं अभी वहां पर बीमारू राज बोला गया बिहार की जनता का अपमान किया डीएनए के वाली डीएनए खराब है बिहार का बोला। उसके बाद जो महाराष्ट्र में आप लोगों की सरकार है वहां से लोगों को बिहार के और यूपी लोगों को मार मार के प्रवीण भगाया जाता है ये आप गलत बयानबाजी मत करिए ना बता रहे हैं कोई नहीं इस तरह की हुआ युवा चिंता युवा लोग हैं जो दीपक जी मैं आपसे सिर्फ इस वक्त फिलहाल यहाँ पर ये प्रश्न करना चाहती हूँ आपसे बोला गया है कि आपके साथ जब बीजेपी गठबंधन में थी उस वक्त नीतियां जो बीजेपी की थी उनको पूरी तरह से वो नहीं कर पाई उन पर काम
क्योंकि आपने करने नहीं दिया। चीफ मिनिस्टर आपके थे, हाँ, उप मुख्यमंत्री इनके थे, इनके और मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री इनके लोग थे, सब साथ थे। तो ये वाजपेयी साहब बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, वहाँ एक एजेंडा होता है जब सरकारें चलती हैं। भाई साहब हमारे बहुत सीनियर हैं, इस मामले में पता नहीं इस तरह से क्यों कैसे गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यों हमारे होते हुए कि विकास नहीं हुआ है, हमारी नीति नहीं चल रही है। मुख्यमंत्री तो आपके थे ना, वो कह रहे हैं कि हमारी नीतियां जो थी उन्हें पूरी तरह से कारगर साबित नहीं होने। ऐसा होता नहीं, जहाँ सरकारें चलती हैं वहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी सरकार में एक एजेंडा होता है। तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि अंकुश लगा दिया या हमारी नहीं चली, ये तो ये अपना गला बचाने वाली बात। क्या आप मानते हैं कि बिहार का विकास जो है बीजेपी आपके साथ में जब गठबंधन में थी उस वक्त हुआ या नहीं हुआ? पूरा देश, पूरा बिहार की जनता बोल रही है, विकास पुरुष, सुशासन पुरुष नीतीश कुमार जी को बोल रही है। नीतीश के साथ में तो बीजेपी भी थी। मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, क्या आप मानते हैं कि बिहार का विकास हुआ या नहीं हुआ? हमारे नेता को, हमारी पार्टी को बिहार के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम लोगों ने विकास करते हैं वहाँ। अब ये तो वाजपेयी साहब को पूछिए कि ये अकेले ही पता नहीं क्या ये चमत्कार दिखाएंगे। अब जब हमारे साथ थे तो हमने उन्होंने काम किया। आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। बहरहाल आत्रे जी, आप देख रहे हैं इस बातचीत को किस तरह से कहा जाए, बीजेपी और एनडीए, वो माफ कीजिएगा जेडीयू, दोनों गठबंधन में थे, दोनों ने साथ में शासन किया, उसके बाद भी बिहार की जनता का विकास हुआ। आज बिहार की जनता को बीमारू कह दिया जाता है, उसके बाद में बताया जाता है बिहार की जनता को कैंसर भी हो गया, उसे बीमारी से इलाज की जरूरत है, इस तरह की बयानबाजी है। क्या आपको वाकई लगता है कि एनडीए ने उस वक्त जब वो गठबंधन में थी काम किया बिहार के साथ में? बताओ, समस्या इस समय ये चल रही है, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पिछले 10 सालों का शासन का बुराई करें या अच्छाई करें। अगर अच्छाई करते हैं तो फंसते हैं, अगर ये बुराई करते हैं तो फंसते हैं, खुद ये खुद शामिल थे उसमें। क्या यही जेडीयू तय करके बताएं कि ये 10 साल में जो 8.5 साल भारतीय जनता पार्टी थी, उस 8.5 सालों में बिहार में विकास हुआ? अगर हुआ तो किसने किया? मुख्यमंत्री ने किया ना। मुख्यमंत्री 1.5 साल में कैसे खराब हो गए, और वही मुख्यमंत्री 1.5 साल में कैसे जंगल लाल करके आ गए, और वही नीतीश कुमार आगे कैसे नहीं सरकार चला पाएंगे, ये तय करें। इस चीज पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब मुख्यमंत्री हमारा नहीं था बिहार में, हम तो अलायंस में थे मुख्यमंत्री। अरे जहां पर मुख्यमंत्री आपका है वर्तमान में, देखिए महाराष्ट्र में, वहां आपने क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहां तो आपने बहाना बता दिया कि मुख्यमंत्री हमारा नहीं था अलायंस में। जहां आप पूरे पावर पे, जहां मुख्यमंत्री आपका, वहां तो आपसे सत्ता संभाली नहीं जा रही है। किस तरीके की घटनाएं हो रही है कुलकर्णी जी के साथ, क्या हुआ? अरे आज की ताजा घटना है, वहाँ क्रिकेट का जो है, हाँ, वहाँ संभाल नहीं पा रहे। सवा साल में जब सारी चीजें दिखाई पड़ गई, शुरू में तो देखा नहीं था, लोकसभा चुनाव में तो खूब आपने जो है हासिल कर लिया, लेकिन अब सबने देख लिया है, तो अब वो स्थिति नहीं आने वाली है वाजपेयी जी, अब आप दिवा स्वप्न ना देखें। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मेरे ख्याल से वाजपेयी जी, की यहाँ बिहार का मुद्दा है तो बिहार पे ही बात होनी चाहिए, पूरा देश घूम लेंगे, पूरा देश घूम लेंगे, बिहार लेंगे, मेरी बात पूरी होने दें। बात बिल्कुल सही है आपकी कि बिहार का जिक्र होना चाहिए, लेकिन जहां जहां आप अपना गलत बताइए ना। अनुजी ने जो सवाल, भट्टर साहब क्या जवाब मिले, हरियाणा के मुख्यमंत्री आप कहते क्या बोलेंगे, क्या बयान था उनका? दीपक जी जवाब दीजिए। अनुजी को मैं याद दिलाता हूं, अनुजी के जितने भी मिनिस्टर थे यूपीए गवर्नमेंट में या इनके प्राइम मिनिस्टर थे, इनका एक ही रोना था कि देखिए गठबंधन का एक धर्म होता है, उसकी वजह से कुछ मजबूरियां हमारे साथ रही थी, इसलिए हम लोग करप्शन पे काबू नहीं कर पाए, ये इन लोगों का बयान होते हैं। अभी भी यही लोग यही बोलते हैं कि हमें गठबंधन धर्म निभाना था, यही मजबूरी बिहार में हमारे साथ थी कि हम विकास पूरे स्पीड से करना चाहते थे, वहां पर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, वो गठबंधन में थे इसलिए विकास नहीं कर पाए, और गठबंधन में थे इसलिए आज आप ये कह पाते हैं कि बिहार बीमारू है, बिहार को कैंसर। दिल्ली और बिहार की तुलना मत करिए, 8 साल बनाम अगर आप 50 साल देखेंगी, दिल्ली में आप काम नहीं कर रहे, साल में हम 8 साल शासन में रहे, वो भी किसी के साथ। चलिए, आप कहते हैं कि विकास हुआ, जेडीयू के साथ में आप थे, आप कहते हैं कि विकास हुआ, लेकिन विकास किस गति से हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे, और वो विकास अब क्या कहेगा आने वाले वक्त में। दो चरणों का मतदान हो चुका है, बाकी चरण अभी बाकी हैं, बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन फिर भी हमारी जो चर्चा यूं ही जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हमें रुकना है, छोटे से ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। दो चरण का मतदान हो चुका है, बाकी चरणों के मतदान अभी होने हैं, लेकिन सभी पार्टियों में अलग ही गहमा गहमी है। बीजेपी में जो गहमा गहमी चल रही है इस वक्त, वो सभी की नजर में है। आखिर क्यों हो रहा है बीजेपी में ये सब? बयानबाजियां भी हो रही हैं, हिदायत भी है कि इस तरह की बयानबाजियों से बचा जाए, लेकिन उसके बावजूद रोक नहीं लग पा रही है। लेकिन बिहार की जनता के जहन पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद है मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी, अनुज आत्रे, नेता कांग्रेस, हमारे साथ में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है दीपक सारस्वत, नेता जेडीयू, और संजीव निगम, नेता भी हमारे साथ में मौजूद है। वाजपेयी जी, ब्रेक से पहले आपसे सवाल किया जा रहा था कि आखिर ये कैसी समस्या आपके सामने है। सभी का कहना है यहां पर कि ये समस्या बन गई है आपके लिए। अगर आप कहते हैं कि हम जेडीयू के साथ में थे, बिहार का उस वक्त विकास हुआ, तो जेडीयू को श्रेय जाएगा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, तो फिर आपके लिए सवाल जो है वो खड़े हो जाएंगे। ये कैसी विडंबना है, क्या आप किस तरह से देख रहे हैं? ये बड़ा जंजाल है आपके लिए, जवाब दे। बिल्कुल नहीं, मैं आपको आपको जवाब देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, शायद समझा पाऊं। जी देखिए, जब 2005 में वहाँ पे इलेक्शन हुए थे, नीतीश कुमार जी और हम लोग साथ में थे, तो वहाँ पे एक माहौल था बिल्कुल जंगल राज का, जहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। बच्चियां या औरतें घर से बाहर शाम को निकलने में मतलब निकलती नहीं थी। वहां का जो आम बिजनेसमैन था वो इतना परेशान था कि शाम को कब उसके साथ लूट हो जाए, क्या हो जाए। ठेकेदारी वहां पे माफिया चला रहे थे, मतलब हर चीज इस तरह से वहां पे खत्म थी कि कोई आस नहीं थी। जब हमारे साथ नीतीश कुमार जी ने गवर्नमेंट बनाई तो एक आस जगी, और उस आस को 5 साल में हमने थोड़ा सा पूरा करा। उस 5 साल के बाद जब इलेक्शन हुए तो फिर हमारे को, क्योंकि हमारे 5 साल के काम को देखने के बाद जनता ने दोबारा हमारे को चुना, उस दोबारा चुनने के बाद जो गति होनी चाहिए थी, मैं उस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा कि उतनी गति से काम नहीं हो पाए जितनी गति से कि पहले 5 साल में हुए। उसके बाद 5 साल के बाद जब मोदी जी का राष्ट्रीय पटाक्षेप हुआ, आना हुआ, तो नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल हमको निग्लेक्ट कर दिया, हमारी किसी पॉलिसी को नहीं माना, हमारी किसी बात को नहीं माना, हमें हर जगह से हटाने की कोशिश करी। और उसके बाद से जो बिहार जो का ग्राफ जो ऊपर जा रहा था वो तेजी से नीचे की तरफ आने लगा, और जिस दिन हम अलग हुए हैं बिहार की राजनीति से या बिहार की सत्ता से, उस दिन के बाद चाहे वो माझी जी का टाइम ले लीजिए, चाहे उसके बाद का टाइम ले लीजिए, नीतीश कुमार सिर्फ इसी में उलझे रहे कि माझी जी को कैसे हटाएं, आम की राजनीति कैसे करें, कटहल की राजनीति कैसे करें, लालू प्रसाद जी से, मतलब जो गैर जरूरी चीजें थी उन पर ध्यान देना शुरू किया, विकास की ओर फोकस। मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट बिना किसी लाग लगेट के ये सारी समझा। आपका हाथ झटक दिया, गठबंधन टूट गया, आप अलग अलग हो गए हैं, अब एक बार फिर से चुनाव आए हैं, लेकिन ऐसे में आपसे बातचीत की नहीं की, या ये कह लीजिए कि आपसे अलग होकर अब महागठबंधन में शामिल हो गई है जेडीयू, कितनी उम्मीदें इससे बढ़ रही हैं? जेडीयू क्या वाकई इस महागठबंधन में कोई सफलता हासिल कर पाएगी वाजपेयी जी? नहीं देखिए, महागठबंधन का तो अगर आप स्वरूप देखें तो पहले तो ये महापरिवार हो रहा था कि महा जनता परिवार या इस तरह का महापरिवार, उसमें जब बात नहीं बनी तो उसके बाद इन्होंने कहा महागठबंधन बना लेते हैं। लेकिन जिस नेता के जिसके नेतृत्व के नीचे महागठबंधन बना था, जिसके लिए नीतीश कुमार, शरद यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी ये कहते थे कि जो लालू जो मुलायम सिंह जी ने कह दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, हम उसके पीछे रहेंगे, वो हमारे सब मान्य नेता है, जो वो कहेंगे वो होगा। लेकिन आप देखिए क्या हालत हुई, वो अलग हो गए। उसके बाद आप देखिए ये इनके अरविंद केजरीवाल जी 2 बारी गए बिहार में, उन्होंने देखा कि यहाँ हालात हमारे अनुकूल नहीं है, वो अलग हो गए। उसके बाद आप अभी ताजा जो इनका हुआ कि राहुल जी की अभी तक, आज ये तीसरा फेज शुरू होने वाला है, सिर्फ एक मात्र रैली हुई, एक या दो, शायद मैं करेक्ट हूं तो एक और नहीं तो दो, सोनिया जी की वहां पे सिर्फ मात्र 2 रैली हुई है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी अभी तक सिर्फ एक बार को छोड़ के दोनों इन्होंने मंच साझा नहीं करा है। आप जितने पोस्टर देख लीजिए, लालू प्रसाद जी का अलग बैनर लगा होगा, अलग पोस्टर लगा होगा, नीतीश कुमार जी का अलग सुशासन का पोस्टर लगा होगा, तो ये दिल से तो कभी एक हुए ही नहीं। ये महागठबंधन तो एक मजबूरी में, देखिए जिस तरह से होता है ना कि मोदी जी का डर है अब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, की जनता इस महागठबंधन बिल्कुल समझ रही है, बिल्कुल समझ रही है, वो इस बात को बिल्कुल समझ रही है। मैं हो गया हूँ और वहां की जनता में बड़ा रोष है कि नीतीश कुमार जी चलो ठीक थे, हम नीतीश कुमार जी को स्वीकार भी सकते थे, लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद जी के साथ जो ये गठबंधन बनाया है, इसको तो हमारे को पीछे और ज्यादा पीछे धकेल दिया। क्या इसका खामियाजा भुगतना होगा आपकी पार्टी को चुनाव के दौरान? हमारे वाजपेयी साहब बोल रहे थे मांझी जी, पहले उनका उसका मैं जवाब दे दूं भाई साहब को आपके माध्यम से कि मांझी साहब को कैसे बरकलाया गया, महादलित का कैसे अपमान किया गया। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने सिर का ताज एक महादलित के सिर पर रख दिया, इससे बड़ा क्या महादलित का, इससे कितना सम्मान होता है। इन्होंने उतारा कैसे, नहीं सर बता रहे हैं, वो हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और वो कभी अमित शाह जी के जुमले फेंकने लगे। अपने सर का ताज अगर औरों के सर पर रख दिया या किसी के सर पर रख दिया तो उसे महादलित का नाम क्यों दे दिया?
नहीं वो तो हम आपको नहीं लगता है कि ये प्रशंसा बटोरने का एक जरिया जो ये लंदन जापान नहीं है, ये भारत है, इसमें सभी जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, तो ये इसको हम नकार नहीं सकते। और आप भी इस बात को मान लें तो बड़ी मेहरबानी होगी हम आपकी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब परिवार है हमारे भारत का, एक गुलदस्ता गुलदस्ता टाइप। चुनाव का जब प्रचार किया जाता है तो यही कह के किया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हाँ लेकिन अगड़ा लेकिन हमारी क्या इससे बाहर होकर राजनीति की जा सकती, चुनाव नहीं जीता जा सकता दीपक जी? मैम इसको देखो आप कह रहे हैं चुनाव नहीं जीता जा सकता बिना जाति के, ऐसा नहीं है हमारे भारत के अंदर, विकास तो विकास आप मानते हैं कि जाति के आधार जाति को आधार बनाकर चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है? नहीं मैम जाति तो भारत पूरा भारत ही जाति में रहता है, भारत बनाई जातियों से, लेकिन चुनाव जीतने का जरिया अगर आप जाति बना लेते हैं तो फिर चुनाव जाति मैम जन्म से ही जाति होती है, बना नहीं लेते मैम, विकास तो विकास है, विकास तो सबका होना है, रोड विकास तो व्यक्ति जीता है, लेकिन जाति को आधार बनाकर अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो ये बड़ा प्रश्न होगा। तो सभी जातियों को मानते हैं और सबका सम्मान हमारी पार्टी करती है, महागठबंधन करता है, लेकिन मैं वाजपेयी साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप आरक्षण वाले उसमें विरोधी हैं, उसके सबसे पहले इनका भागवत साहब का बयान आ गया, उसके बाद मोदी जी बोलते हैं नहीं नहीं साहब होगा, अरे तो पहले आपका सुप्रीम कोर्ट तो आरएसएस नागपुर में, उससे हमारा सुप्रीम कोर्ट बिहार की जनता है, हम उनके स्वभाव के लिए उनके सौहार्द के लिए उनके विकास के लिए हमारी पार्टी काम करती है, महागठबंधन तीनों पार्टियां मिलकर हम लोग विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। अब इनका उसके बाद का वाला गौ हत्या, ये पूरे देश को एक जुमलेबाजी में फंसाए हुए हैं, और बिहार जब 2014 वाला इलेक्शन हुआ तो उसमें मोदी साहब ने अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे, मैम अच्छे दिनों की बात है 200 रुपये किलो अरहर की दाल मिल रही है, पहले कहते थे दाल रोटी खाएंगे प्रभु के गुण गाएंगे, आज ऐसा हाल हमारे तो पुराने दिन ही वाजपेयी साहब वापस कर दो, देश की जनता बिहार की जनता कहती है कि हमें तो पुराने दिन हमारे वापस कर दो, बांग्लादेश नेपाल चाइना 60-70 रुपये किलो दाल आज के मेरे पास आके जैसा दे दूं, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों? लेकिन हमारे संजीव जी के पास जाऊंगे पहले, लेकिन मैं 2 मिनट बात बताना चाहूंगा प्लीज मैम। इसके अलावा मैम ये इतने डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले या एनडीए के घटक दल जो है, इन्होंने सारा ऐसा लगता है कि देश की जनता पटना ही बन गई है, देश की जनता देश की सरकार जो है वहाँ सारे 8-10 मिनिस्टर आरएसएस शाखा संघ ये प्रधानमंत्री बोधन ने तो पूरा ही चेंज कर दिया सिस्टम, तो देश को भी भूल गए। अब ये जुमलेबाजी में बिहार की जनता बहुत जागरूक है, राजनीति में भी और पढ़ाई लिखाई में भी, वो इनके चक्रों में फंसने वाली नहीं है। तो ये और यूथ वाली बात करते हैं, यूथ जान गया है कि आप सपनों के सौदागर हैं, सपने बेचते हैं, लेकिन बिहार की जनता आपके सपनों को नहीं खरीदेगी जो, और बहुत जल्दी ही अगली 8 तारीख को इसका बहिष्कार आपको पता चलेगा। संजीव जी काफी देर से कुछ कह रहे हैं। जी संजीव वाजपेयी जी अभी जिक्र कर रहे थे कि देखिए आम आदमी पार्टी भी पहले थी अब अलग हो गई, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं आम आदमी पार्टी ना तो कभी गठबंधन में थी, जो थी ही नहीं तो अलग कहां से होगी, ठीक है? तो ये तो आपके प्रश्न का जवाब हो गया। और रही बात अच्छे दिन की, बड़ी बात कर रही थी कि अच्छे दिन आएंगे 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 जब 15 लाख रुपया जो है अकाउंट में आ जाएगा ना, तब वो पैसा लेकर के बुलेट ट्रेन में बैठ करके स्मार्ट सिटी लोग जाया करेंगे और वहां से 200 रुपए किलो दाल खरीद के लाएंगे, तब अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का भी इंतजार करिए, 2019 में शुरुआत होगी, शायद वो 2019 का दोबारा मौका ही ना मिले। तो इस तरीके के जो जुमलों वाली रात रही, जो 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 रात को दिन और दिन को रात करने वाली, तो अब वाजपेयी जी बहुत हो गया, आप कब से आप इसको चलाएंगे, आपको दिल्ली से आपको डाउनफॉल शुरू हो गया है, तो अब थोड़े दिन और रह गए हैं, आप मान लीजिए इस बात को अभी। चलिए अत्रे जी आकलन जो किया गया है इतनी सिटी में, मैं बिल्कुल वाजपेयी जी जवाब के लिए आती हूँ आपके पास, लेकिन अत्रे जी के पास फिलहाल मैं जाना चाहूंगी। ये कहा गया है पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है कि भाई अगर ये जो महागठबंधन हुआ है, पहले ये कोसते थे कांग्रेस को, कांग्रेस कोसती थी इन्हें, उसके बाद ये सारे इकट्ठे आ गए हैं, स्वार्थ की राजनीति हो रही है, इस तरह की जुमलेबाजी क्या बिहार की जनता को ये बता पाएगी कि महागठबंधन उनके लिए ठीक नहीं है और ये मौके पर स्थिति की राजनीति जो है वो हो रही है? देखिए बिहार की जनता इनको भलीभांति देख रही है, किस प्रकार से पहले दिन से ही बिहार की जनता का खुल के कितना अपमान ये कर सकते हैं, कितने कठोर शब्दों में बिहार की जनता को ये बेइज्जत कर सकते हैं, उतना ही कर रहे हैं। कभी उनके बिहारियों के डीएनए पे प्रश्न उठाते हैं, कभी उनका कैंसर बीमारू राज्य, कभी कुछ आज कैंसर का भी बीमारी लगा, आज कैंसर का वो कैंसर साक्षी महाराज बोल रहे हैं, तो ये क्या बिहार की जनता में क्या उन लोगों के साथ, एक तो वैसे ही वो पिछड़ा प्रदेश केंद्र सरकार, आप ये हम ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा मजाक चुनाव से पहले किया, 1,65,000 करोड़ का सर, क्यों आपने 1.25 साल का 1 साल का इंतजार किया बिहार को पैकेज देने के लिए कि चुनाव से पहले देंगे, जबकि वो पैसा किसी काम नहीं आ सकता। चुनाव डिक्लेयर होने से आप 10 दिन पहले 15 दिन पहले वो पैकेज डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या वो पैसा किसी काम में आ सकता है? जब आचार संहिता लग गई
वाजपेयी जी जवाब, ये क्यों नहीं आपने पैसा दिया अगर आप बिहार के? दोनों दोनों का जवाब देता हूँ। सारस्वती जी ने तो कोई सवाल करा नहीं, लेकिन पहले तो मैं संजीव जी को जवाब देता हूँ। सवाल ही नहीं है, जनता सवाल समझ रही है। ये जो है ना संजीव जी, जो इनके और ये और इनके नेता जो पीछे से राजनीति कर रहे हैं, ये आप ना समझिए, गठबंधन के अंदर है और बिल्कुल गठबंधन के साथ है। अभी कल के स्टेटमेंट देख लीजिए, इन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट बन गई, मोदी जी की गवर्नमेंट हार गई, नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट। जब गठबंधन में नहीं हो, आपको बिहार की एबीसीडी नहीं पता, तो आपने कैसे आकलन कर लिया, कैसे आपने भविष्य वक्ता हो गए? ये सिर्फ ये गठबंधन के अंदर सब घुस के काम कर रहे हैं, ये मिले जुले हैं। वाजपेयी जी अगर मुलायम सिंह जी ने आपकी पार्टी को कह दिया जीत गए तो मैंने इनको गलत नहीं बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि हम गठबंधन में नहीं है, तो ये गठबंधन में ना होते भी पूरी तरह गठबंधन में सिंह जी आपके और ये तो गए इसलिए नहीं, ये तो अरविंद केजरीवाल तो सबसे पहले कूदे थे बिहार के इलेक्शन में, सबसे पहले गए थे नीतीश कुमार के यहाँ। बिहार के इलेक्शन में नहीं कूदे थे, लेकिन गए थे और उसी उसी नीतीश कुमार जी के फंक्शन में गए थे। महंगाई आई है, इस पे आइए, आप अच्छे दिनों पे आइए, अच्छे दिनों पे आइए। वो काम 60 वर्षों में नहीं कर पाई, वो काम कर दिया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, काम कर दिया, जवाब ले ली, मैं आपको आपको बोलने का मौका दूंगा। जी वाजपेयी जी, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी दोनों आकलन करने गए थे कि एक से भूल हो जाए दूसरा तो कम से कम आकलन सही कर लेगा। दोनों ने जाके देख लिया कि नहीं, यहाँ पे ये बिल्कुल धरातल में जमीन है ही नहीं नीतीश कुमार जी की, तब वापस आए हैं। और अनुज कुमार अनुज आत्रे जी बोल रहे हैं कि ये तो गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है। स्वाभाविक कहां से है, आप इतने बड़े दल के, आप राष्ट्रीय पार्टी होते हुए 40 सीटों पर लड़ रहे हैं, आपकी सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, उनको चौथे नंबर पर बोलने को बुलाया जा रहा है, आपकी दो से ज्यादा रैली नहीं हो रही, लालू प्रसाद जी आपके मन साझा नहीं कर रहे, नीतीश कुमार जी आपको रैली के लिए राहुल जी को नहीं बुला रहे, आपकी तो मजबूरी है, आप तो इस समय डूबते को तिनके का सहारा वाली स्थिति में। आप तो अपनी अटेंडेंस कि हाँ हम भी में चार सीटें जीतने के बाद हम भी है, जैसे अभी आपने देखा होगा राजस्थान में नगर पालिका के इलेक्शन हुए, उसमें 40 सीटें आ गई, पिछली बार इनके पास 35 सीटें थी, 5 सीटें ज्यादा जीते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सचिन पायलट ने कि देखिए हम 35 से 40 हो गए, हम इसका उत्साह मना रहे हैं, हम इसका उत्सव मना रहे हैं, तो ये तो इसी इसके इंतजार कर रहे हैं कि हम चार से किसी तरह आपको देश की जनता प्रधानमंत्री हमारे बनाए, आप कुछ काम करें। अब ये बिहार में नहीं, पहली बात मैं वाजपेयी साहब को बता दूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के बिहार में प्रचार मंत्री 2019 में नीतीश कुमार जी ने उनको प्रचार मंत्री बना दिया ना, तो प्रधानमंत्री बाद में एक दिन का काम का पूरा हो रहा, भारत की जनता को मिलेगा। आज हो रहा है बिहार का इलेक्शन, आपको चाहिए कि आप बताएं कि आप तो क्यों वोट दे जनता, आपने ऐसा क्या काम करा वहां पे जनता वोट दे, आप देखिए शिक्षा की हालत, नकल कैसे राज्य में हो रहा है, बहुत पहली क्वेश्चन है, अध्यापक घोटाला आप देखिए, ऐसे अध्यापक घोटाला देखिए, ऐसे सर आप बताइए, गोली मार दी जाती है प्रश्न है कि आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर की विधानसभा में क्या हो रहा है, आप देखिए महाराज जम्मू राज्य में हो रहा है, बिहार के बताइए ना, आप बिहार में क्या चमत्कार दिखा रहे हो, आप बताइए, आपने ऐसा क्या काम कर दिया बिहार में, हम विकास एसएसपी को सरेआम गोली मार दी जाती है, वो अभी तो वहाँ पर वो आप दोनों बता रहे हैं कि आप लोगों के राज्यों में चल क्या रहा है। या मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ ये है कि जो पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं कि ऐसा क्या है कि बिहार की जनता आपको वोट दे, अगर आप कहते हैं कि जवाब नहीं देंगे विकास नहीं, मैं दे रहा हूं, नहीं मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी, लेकिन आत्री जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, मैं पहले उनसे बात कर लूं। आत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इन लोगों के मन में एक अहंकार और अति उत्साह भरा हुआ है, वाजपेयी जी भी उसी के शिकार होते नजर आ रहे हैं, लग रहा है कुछ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। तो मैं वाजपेयी जी को एक सलाह ले या ना ले फिर भी देना चाहूंगा कि अति अहंकार और अति उत्साह आपको कल भी ले डूबा था, यही आपने अहंकार दिल्ली में दिखाया था, दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ था हाल आपका, आप वही अहंकार के साथ बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बिहार की जनता आपको जवाब देगी कि कौन किसकी एक रैली हो रही है, किसकी रैलियां कैंसिल हो रही हैं, कौन कौन से नंबर पे चुनाव लड़ रहा है, या कौन कौन से नंबर पे भाषण दे रहा है, या कौन जुमले बोल रहा है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री की बातों को जुमलों में उड़ा देते हैं कि ये तो जुमले बोलते हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं अपनी, आप अपनी बातों पे कहीं खड़े उतर रहे हैं, आप सवा साल में ये बताइए आपने क्या दिया है अपने देश को, युवाओं को आपने नौकरी दी है, जो बिहार के युवाओं को ये बताइए, आप बिहार के चुनाव में, आप बिहार के चुनाव में मोदी जी अपनी पिछली बातों पर एक बात के ऊपर उतार के बता दें, मैंने ये कहा है
आप ये बात कर रहे हैं, कौन सा उनकी सलाह सराखों पे, बिल्कुल हम अति उत्साहित नहीं है, बिल्कुल हमारे अंदर अहंकार नहीं, हाँ विश्वास जरूर है, भारत की जनता पे विश्वास है, जो लोकसभा में देख चुके हैं, हमारे बिहार की जनता पे विश्वास है कि हम स्पष्ट बहुमत मिलेगा, आपकी तरह से हम निराशावादी नहीं है और भारत की जनता पे हमें पूरा विश्वास है, बिहार की जनता पे आप शायद विश्वास खो चुके हैं, जनता से आप विश्वास खत्म कर चुके हैं अपनी पार्टी का, लेकिन हमारी पार्टी पे कौन आशावादी है, कौन अपने बिहार की जनता पे ये बात दूसरी बात अनंत जी ने पूछी, हम लोग जमीन पे रहकर बात करते हैं, जमीनी बात करते हैं, आपकी तरह हवाई बातें नहीं करते हम लोग, बिहार में जाके मोदी जी अपने काम क्यों नहीं गिनाते, अरे बिहार में जाके बिहार की जनता की सर गुजरात की बैंक आपको याद दिला दूं, बताएंगे घोटालों की बात बता दूं, अरे बैंक ऑफ बड़ौदा, अरे उनसे क्या लेना देना है आपको, आप बताइए आपको क्यों वोट दे, महोदय ने जब वोट मांगे थे 1,14,000 करोड़ रुपए बिहार की जनता को दे रहे हैं, जो मान ली कभी दे रहे हैं आप, देखिए इसी फाइनेंशियल ईयर में 2016 का अगली कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आपसे वो पॉइंट जानना चाहती हूँ की आखिर वो कौन से जनता आपकी पार्टी को चुने, मैं फिलहाल बिहार पर आना चाहती हूँ, बिहार की जनता आपकी पार्टी को चुने, ऐसे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि लगता है आपको कि बिहार की मैम नंबर वन बात, बिहार की जनता हमारी पार्टी को इसलिए चुनेगी कि हम लोग सभी जातियों का वहाँ सम्मान करते हैं, अरे वाह वाह, दूसरा मैम नंबर टू दलित महादलित हम लोगों ने आपने देखा कि हमने मुख्यमंत्री तक भी बनाया, लेकिन इन्होंने ऐसा फंसा के उनको माझी जी को बर्बाद कर दिया, और ये भी सोच रहे थे इन्होंने कहा पहले, जहां तक मेरे पास रिपोर्ट है कि हम अब मुख्यमंत्री का दावेदार बनाएंगे, रामलाल जी को शिक्षा पे बात करिए, हमारे देश की विदेश नीति को बिगाड़ने वाले एनडीए सरकार जो देश में चल रही है, अब ये नहीं पता चलता कि प्रधानमंत्री देश का कौन है या विदेश मंत्री कौन है, तो वहां से कितना पैसा आया आज बताएं वाजपेयी साहब हमारे जो, लेकिन हमारे नीतीश कुमार आप बताइए, बीजेपी पर आ गए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने पॉइंट्स बताएं कि कौन से पॉइंट बता रहा हूं, देखकर बिहार की जनता बताएंगे ना, वहां रोडों का विकास हुआ है मैम, हॉस्पिटल में आप देखिए पहले की हालत थी अब क्या हुआ है मैम, वहाँ पढ़ाई लिखाई में मैम देखो लड़कियां आजकल फ्रीली साइकिल बांटी गई और वो बच्चियां बहुत अच्छे तालीम ले रही हैं स्कूलों में जा जा करके, और मैम उसके बाद वहां पर 9 फैक्ट्री थी बड़ी फैक्ट्री, मैम आपको एक बात याद दिला दूं, कितनी शुरू हो गई है, 5 फैक्ट्री मैम हमें परमिशन केंद्र से मिली और 5 स्टार्ट हुई, 4 फैक्ट्री इसलिए बंद पड़ी है केंद्र सरकार हमें परमिशन नहीं देती है, और हमने तो विशेष उसके लिए और विधानसभा में मैम हमने और विशेष वहाँ पैकेज करके स्टार्ट और वहाँ हमने फैक्ट्रियों में लगाया और वहाँ के रोजगार लोगों को दिला रहे हैं वहाँ जो, लेकिन केंद्र सरकार विशेष राज्य के दर्जा के भी एज ए इलेक्शन टाइम आपने देखा 1,65,000 का जुमला फेंक दिया मोदी, आपको भी तो इलेक्शन के टाइम में सब कुछ याद है सारी की, नहीं हम तो पहले से कर रहे हैं, मैं आपको 10 साल का इतिहास बता रहा हूँ मैम, 10 साल का इतिहास बता, चलिए वाजपेयी जी कुछ कहना चाहते हैं, अभी एक ही छोटी सी बात इनको बता देता हूँ और इनको जितने इन्होंने बातें बताई उसका सबका जवाब मिल जाएगा, एक वहां पे खाद फैक्ट्री है पिछले 3.5 साल से बंद है, वो 3.5 साल से लोग वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, सर सिल्क फैक्ट्री भी है भागलपुर वाली, हम लोग यूनियन स्टार्ट करा पा रहे हैं वहां, भागलपुर की जनता केंद्र सरकार की दीपक जी जवाब देने नीतियों की वजह से वहां सफर कर रही है, दीपक जी जवाब देने जी ये वहां की नीतीश गवर्नमेंट उसको चालू नहीं कर पा रही, अब मोदी जी ने वहां जाके उसके लिए अलग व्यवस्था करी है, वो जो 1,63,000 करोड़ दिए वो अलग, उसके लिए अलग व्यवस्था करी है और वो चालू होने के बाद में पहुंचाई, दूसरी बात में आप अपनी बात रखिए, दूसरी बात 10,000 करोड़ रुपए का एक और जुमला फेंक दिया, आप बिजली घर बनाएंगे एक पैसा नहीं मिला, दीपक जी आप अपनी पॉइंट्स नोट कर लिए, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी, मैं पहले इनसे पूछा कि आप जरा बिहार के विषय में बताइए जनता आपको क्यों चुने, बताया उन्होंने कहा जी हमने एक फलानी जाति के नेता को वो बना दिया इसलिए जनता चुने, ये क्या विकास हुआ, अरे आप देखिए टीवी बात बता रहा हूं मैं, टीवी में आपका टाइम था तब आप नहीं बता पाए, आवाज सुनिए आवाज सुनिए, आपका टाइम आएगा तब सुन, आपने टीवी में देखा किस तरह से नकल हो रही है, किस तरह से बच्चे वहां पे पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन स्टेट में क्या हो रहा है आप देखिए बाबू साहब, वो बेचारे बच्चे पढ़ने के बाद किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, सुसाइड करके बेचारे, दीपक जी आप जवाब ले लें, मैं बिल्कुल आप देखिए 8 साल के अंदर अस्पताल बहुत बने वहाँ पे, लेकिन उन अस्पतालों की हालत ये है कि डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, दवाइयां नहीं है वहाँ पे, नर्सें नहीं है वहाँ पे, वो डॉक्टर सिर्फ बिल्डिंगे बन के तैयार है, लेकिन वहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो अस्पताल को सुचारू रूप से चला सके, वहाँ पे बिजली की हालत देखिए आज भी 45% ऐसी वो है जहाँ पे कि सिर्फ 3 घंटे बिजली आती है, इतवाक रखते होंगे सारस्वत जी, नहीं सर 14 घंटे सुन लीजिए, क्योंकि इनके नीतीश कुमार जी ने बोला है कि हमने कोशिश करी है और हम 3 घंटे तक ले आए हैं, आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा मिलेगी, ये हालत है बिहार की, हमें इससे निकालना है बिहार को, हम इस पे बात करते हैं, कांग्रेस इस पे बात कर रही है,
ना जेडीयू इस पे बात कर रही है, वो किस पे बात कर रहे हैं कि हमने फलाने व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, हमने यादवों को अपनी तरफ कर लिया, सारे यादव एक हो जाओ, पंखा गिरता है तो कहते हैं जी तंत्र मंत्र कर दिया आरएसएस ने, वो इस तरह के इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं इलेक्शन वहां पे बिल्कुल एक स्पष्ट नीति के साथ, विकास के साथ। तो राजनीति का स्तर कहां जा रहा है ये अंदाजा लगाया जा सकता है इस तरह की बातचीत से। लेकिन बहरहाल संजीव जी, काफी देर से आप चुप बैठे हैं, आप देख रहे हैं बिहार में, चूंकि आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में जो चुनाव है वो किस दिशा की ओर जा रहा है, आपको क्या लगता है बिहार की जनता किसे चुनेगी? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है नीतीश जी को कि पहले मैं इनको एक राय देना चाहूंगा, अनुज जी ने मेरे को एक राय दी, मैं इनको राय देना चाहूंगा कि आप अरविंद जी को कहें कि वो भविष्य वक्ता की आप कहीं ज्वाइन कर लें, क्योंकि भविष्य वो बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। अभी तीन तीन फेज के इलेक्शन बाकी है और उन्होंने फटाफट बता दिया कि जी नीतीश कुमार, देखिए ये आकलन तो होता ही रहता है। अगर अगर आप ये बात करें तो अमित शाह भी एक आकलन करके ये सब बता रहे हैं, हमने दो फेज का बताया, तो ये तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आप ये कहावत कर रहे थे ना, एक पतीले में चावल का एक दाना निकाल के देख लिया जाता है क्या स्थिति है, क्या कैसा पका है, कितना पका है। नहीं, मैं आपको तमाम जो है आपने देखा होगा ना, सर्वे भी आते हैं आपके टीवी चैनलों के अलग अलग उसके आते हैं तो वही बताया करते हैं। तो जो स्थिति आ रही है, सुनिए भाई, जंगल राज की जब आप बात करते हैं तो आदमी दिल्ली क्या है, चारों तरफ का व्यक्ति देखता है दिल्ली में जो राज है, जो पुलिस व्यवस्था है, आपने आप व्यवस्था तो आपके हाथ में है ना, और आपने क्या माहौल बनाया सवा साल में। आप करते थे कि हम साहब वहां पर जो है गुजरात में, हमारे यहाँ बार बार वही कहा कि हमारे यहाँ जो है 16 साल की बच्ची गहने पहन करके रात को निकलती है 2 बजे, कोई खौफ नहीं। आप नाकामयाब हुए सवा साल में, दिल्ली में वो माहौल पैदा नहीं कर पाए, वो माहौल जनरेट नहीं कर पाए, तो वहां पर आपको क्या जो है आप बिहार में आपको मिलेगा। संजीव जी शायद आप भूल गए होंगे, कांग्रेस के टाइम में शीला दीक्षित जी ने आप अभी कल ही जवाब दिया, उन्होंने आप भी यही कहते थे, वो भी कहते थे, तब आप क्या कहते थे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, कल कल मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है, मैं शीला दीक्षित नहीं हूं, कितनी बार शीला दीक्षित नहीं हूं ये बोला है, हम प्रधानमंत्री महोदय को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। और आज कैबिनेट की मीटिंग में करके उन्होंने तमाम सारे फैसले लिए कि हम ये बनाएंगे, हम वो अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, इन्होंने जीओ में बनाया है जिसमें मनीष सिसोदिया जी हैं और गृहमंत्री हैं, सब लोग 15 दिन के अंदर आ जाएगी रिपोर्ट। सर घर को शीला दीक्षित नहीं है, शीला दीक्षित नहीं है, कुछ बैठे रहेंगे, शीला दीक्षित ने कल आपको बोला है, कल ही कल का उनका स्टेटमेंट है, मैं वही कह रहा हूं, हम बिहार का जंगलराज बता दो, मोदी जी को दुनिया की सैर नहीं करने देंगे, दुनिया की सैर वो तब करे जब दिल्ली को भी जो है कम से कम वो जो है ऐसा माहौल बना दे दुनिया की सैर करे, कि दुनिया की सैर करते रहे और अंधेरा है, कम से कम 10 दिन में 10 दिन दो घंटे बात फिलहाल यहाँ पर अभी बिहार की हो रही है, हम उसी पर बात कर रहे हैं, वही बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम इस तरह की बातों को किसका साथ किसको भारी पड़ता है या फिर किसका साथ किसको लिए है, एक हाथ में दूसरे हाथ में बारामती से जो है उनको लिए हुए। चलिए अत्री जी आपसे शुरू करते हैं, बहुत कम शब्दों में संक्षेप में प्रतिक्रिया बिहार इलेक्शन पर और इस तरह की बयानबाजियों पर और ये आकलन जो हो रहा है इस पर। देखिए अभी हमारे को किसी को आकलन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनकी पार्टी के सबसे बिहार के वरिष्ठतम नेता जो इनके स्टार प्रचारक भी रहे हैं और बीजेपी का बिहार का बहुत बड़ा चेहरा है, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने आज 2 चरण के चुनाव के बाद स्पष्ट कर दिया कि बिहार का चुनाव किस ओर जा रहा है और हम उसी में आपको दिख रहा है, और बिहार की जनता महागठबंधन को स्पष्ट रूप से बहुमत दे रही है, नीतीश कुमार जी का वो देख चुके हैं परफॉर्मेंस, मोदी जी का केवल आश्वासन और उम्मीद ही उम्मीद है, उनको दिख रहा है कि अब ये उम्मीद ना उम्मीद होती जा रही है, इसलिए जो इसने परफॉर्मेंस दी है, जिसने डिलीवर किया है, वापस उसी को ही अजमाना चाहेंगे, ऐसे आदमियों को दोबारा वोट नहीं देंगे जिन्होंने जो है अच्छे दिन लाने के बजाय जो साधारण दिन थे वो भी उन्होंने जो है गर्त में लाकर। कुल मिलाकर बिहार की जनता बीजेपी की तरफ जाने से बेहतर है कि महागठबंधन की ओर जाएगी आपके अनुसार? दीपक जी आप क्या किस तरह से आप देख रहे हैं? मेरा ये मानना है कि ये देश की जनता और जितने राज्यों में एनडीए और बीजेपी की सरकार है तो उनको सबको देख करके बिहार की जनता इनको जान गई है कि ये जुमलेबाजी सपने दिखाते हैं, इसलिए इनको अब अजमाने वाला कोई नौबत नहीं है और इसलिए बिहार की जनता सुशासन पुरुष, विकास पुरुष और युवा नेता और नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानती है
और वो पूरा मन बना चुकी है कि 8 तारीख को जो इलेक्शन होगा, मतलब काउंटिंग होगी, उसमें आप देखना कि 12 बजे तक दूध का दूध पानी का पानी। चलिए संजीव जी, महागठबंधन की। संजीव जी, मैडम अब मुझे कहने को कुछ बचा नहीं है, 8 तारीख अब आने दीजिए, इतना सब कुछ यहीं से दे। बचा तो बहुत कुछ है, क्योंकि जैसे सब आपने भी गाएगा, आप लोगों की और बहुत सारी प्रतिक्रिया है। दो इलेक्शन, दो जो दो फेज इनका निकल गया है, वो उसी तरफ करवट किस तरफ जा रहा है वो पता चल गया है, वो आता है इनके अंदर। तो अब बहुत कुछ कहने का बात करिए, और 8 तारीख वो तो पता चल गया है। वाजपेयी जी, जी देखिए, बिहार की जनता, हमें विश्वास है कि बिहार की जनता परिवर्तन के लिए वोट करेगी, और जितने भी वहाँ के मतदाता, युवा मतदाता खासतौर पर, जो हमारा टारगेट युवा की तरफ है, वो अपने भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के लेड वाली एनडीए को बहुमत की सरकार बनाने का मौका देगी। चलिए, ये आपका आकलन है। वैसे आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत अच्छा आकलन कर रहे हैं, जिस तरह से वो बता रहे हैं उनके आकलन के अनुसार तो बीजेपी शायद बहुत ही आगे, एनडीए बहुत आगे चल रही है, लेकिन ये आने वाला वक्त तय करेगा कि बिहार की जनता ने क्या फैसला किया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार की जनता ही तय करेगी कि आने वाले वक्त में उन्होंने क्या फैसला किया है, बिहार की जनता क्या फैसला लेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। 8 नवंबर ये वही तारीख है जब इस बात का ऐलान होगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आई है। लेकिन उससे पहले जो यहां आकलन हमारा चल रहा है स्टूडियो में, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि सभी राजनीतिक दल जीत के लिए, जीत की ओर बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बिहार की जनता का जो दिल है उसे जीते और सत्ता पर काबिज हो। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो ये तय करेगा कि क्या होगा, और बिहार की जनता ये तय करेगी कि बिहार की जनता ने क्या फैसला किया है, किसे सत्ता पर काबिज किया है। इन्हीं प्रश्नों के साथ हम ले रहे हैं आपसे न्यूज लाइन में विदा। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।